बदायूं, उससे बड़ी खबर, जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा। संभल के बाद बदायूं की मस्जिद पर दावा किया गया है। मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा किया गया, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को बुलाया गया है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क में लगातार मंदिर मस्जिद का तनाजा बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। संभल, अजमेर और बदायूं से भी ये खबर सामने आई, जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को बुलाया गया है। आपको बता दें कि जमीयत की ओर से एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिसमें मांग की गई कि लोअर कोर्ट इस तरह के मामलों में समाप्त ना करे, क्योंकि वो जज अर्जी कबूल कर लेते हैं और फिर सर्वे का हुक्म दे दिया जाता है, फसाद जो है वो देखने को मिलता है। इसी वजह से एतराज जाहिर किया जा रहा था और इस बीच वो अर्जी अभी पहुंची नहीं, उस पर समाप्त नहीं हुई। एक और नया मामला उजागर हो गया है, बदायूं का जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। संभल के बाद बदायूं की मस्जिद पर अब दावा किया गया है, मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को भी बुलाया गया, मुस्लिम पक्ष अब अपनी दलीलें जो हैं वो पेश करता हुआ नजर आएगा। तो बदायूं से इस वक्त अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल के बाद बदायूं की मस्जिद पर दावा, मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को बुलाया गया है, अब मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा जाएगा। तो संभल में जो तनाजा हुआ, संभल की जामा मस्जिद में सर्वे का हुक्म दिया था, उसके बाद ये पूरा तनाजा हुआ था और ऐसा ही एक तनाजा बदायूं में भी होता हुआ नजर आ रहा है। मुल्क में कई ऐसी मस्जिदें हैं, कई ऐसी मजारे हैं जहां पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, कोर्ट में ये अर्जियां दायर की जा रही हैं। एक और मामला बदायूं से सामने आया, जहां पर जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल के बाद बदायूं पर की मस्जिद पर यह दावा किया गया है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बुलाया है।